जय गो माता, जय गोपाल। आप लोगों का प्रश्न था कि आपके पास अगर बहुत सारा या कुछ पैसा है और उस पैसा का सदुपयोग करना चाहते हैं और उस पैसा नो रिस्क फॉर्म में यूटिलाइज हो और सरकारी तौर पे इसका मतलब इनकम टैक्स लेवल से भी आप बचें, यानी उल्टा सरकार आपको पैसा दे, ऐसा प्रोजेक्ट क्या है? और वो पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं डूबे और वो या तो मनी फॉर्म में जाए या प्रॉपर्टी फॉर्म में जाए, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है तो दीजिए, आपका विचार है। तो इसके लिए मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक, मेरे श्रोताएं, एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। 30 साल के अनुभव के दौरान मैं आपको कहना चाहूंगा, एक मैंने 30 साल में गुरुकुल, गोकुल, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम और कई सारे सिस्टम पे हमने काम किया और उसमें बहुत सारे अनुभव किए। आप आम, औला, लेम्बू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना, सब्जी, मेडिसिनल फ्लावर, इस कई सारे खेतियों का प्रोजेक्ट 55 एकड़ पे और 90 एकड़स में हम लोग काम कर चुके हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हमारा पैसा किसी भी कंडीशन पे नहीं डूबे और 100%, 1000% का रिटर्न भी आए, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है क्या? और सरकारी तौर पे हम पकड़े भी ना जाएं और हमारा 100% सुरक्षित रहे, क्योंकि आप अगर बैंक में रखते हैं और उसका सूद मिलता है या उसका इनकम टैक्स के दायरे पे आ जाते हो या किसी को प्राइवेट ऋण देते हो तो भी उसमें नुकसान बन जाता है, रिटर्न करने का चांसेस कम रहता है, बहुत कुछ है। लेकिन अभी अभी मेरे को मतलब कई सारे चिंतन और रिसर्च के बाद, 30 साल के अनुभव के बाद मैं कहूंगा ऐसा एक प्रोजेक्ट यस है, और वह प्रोजेक्ट का नाम है चंदन का खेती। क्योंकि आम भी लगाएंगे, कल फाइनल प्रोडक्ट हुआ, लोग चोरी करके ले जाएंगे, और भी कोई सब्जी लगाएंगे, लोग चोरी करके ले जाएंगे, कोई डाल लकड़ी फायर फायरवुड भी लगाते हैं तो लकड़ी काट के ले जाएंगे, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन चंदन में नुकसान नहीं है, और एक बार इन्वेस्ट कर दिया, लाइफ लॉन्ग का कमाई है चंदन का खेती में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद कितना बाद वो आपका रिजल्ट मिलेगा ये। अब मैं इसी का बात कह रहा हूं, लकड़ी? एक बार मैं इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा मतलब था और उस समय मैं ध्यान में और माता रानी का ध्यान में था, तो माता रानी मेरे को आंख के सामने ला के दे दिए कि 10 साल पहले तूने चंदन का पेड़ लगाया था, तू कैसे बोल रहा है तेरे पास पैसा नहीं है? और मैं दौड़ के जाके देखा, याद आया, क्योंकि जंगल मेरा तो भयंकर जंगल है वहां, और जाके मैं वहां पहुंचा और देखा कि अगर इन चंदन पेड़ों को काट के बेचता हूं तो 10 लाख रुपया मेरे को नेट मिल गया। 10 साल में 10 लाख हुआ। बस बिना कोई ट्रीटमेंट का, बिना कोई, मैंने उसमें कोई एफर्ट नहीं दिया था, हाँ, ना दस कभी लाख खाद दिया ना कभी पानी दिया, बस मैं लगा दिया और भूल गया, और 10 साल के बाद देखता हूं 10 लाख हो चुका है। और अगर उस पेड़ को अगर मैंने ऑफिशियली टेक्निकली पूरे मैनेजमेंट के साथ ड्रिप लगा के, जीवामृत घनामृत दे के, अग्निहोत्र सिद्ध विज्ञान दे के और बढ़िया से बाउंड्री करके फुल सेफ एंड सेफ्टी में किया होता तो 10 साल में कुछ नहीं होने से भी 20 से 40 लाख मिला होता। चंदन का खेती, बीरप्पन का नाम सुने होंगे, सबसे बड़ा दस्यु हुआ और सबसे बड़ा अमीर हुआ चंदन बेच के। और चंदन आप जानते ही हो, इतना छोटा सा टुकड़ा चंदन का दाम क्या बाजार रहे पूरी, 80 रुपया, 90 रुपये, इतना छोटा सा टुकड़ा का दाम, इतना बड़ा पीस का दाम। तो आप सोचिए, अगर पेड़ ही पेड़, अगर 1 एकड़ जमीन को आप अगर बाउंड्री करते हो, आप अपने पेन एंड पेपर कर लो, पकड़ लो आपका जमीन नहीं है, 10 साल के लिए भी लीज लेते हो या 20 साल के लिए भी लीज लेते हो, हम देने के लिए तैयार हैं, आपका पेपर कोर्ट पेपर में साइन करके आपके साथ एग्रीमेंट भी करने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट आप करो, बाउंड्री 1 एकड़ का 1 लाख रुपया में हो जाएगा, 7 फुट का, तो वहां पर ना बकरा ना गाय ना इंसान कोई घुस नहीं सकता, और साथ में एक सीसीटीवी टीवी भी आप लगा सकते हो और उसके अंदर 1000 पेड़ लगा सकते हो। 1000 पौधा का कॉस्ट करीब करीब 1.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है, और 1.5 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी मिट्टी में चंदन पेड़ होगा नहीं कोई भी नहीं, वहां गुरुकुल में, हमारे गुरुकुल का, आपका गुरुकुल का हाँ, एरिया में, लेकिन क्योंकि अपना उसमें मेरा रिसर्च हो चुका है, ओन का अपना गांव दूसरे में नहीं का बात होगा। नहीं बोल सकता अच्छा क्योंकि मेरे उसको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा मैं ये मेरे साथ अगर हमारे गुरुकुल के साथ अगर आप टाई अप होके या शेयर में ये कर, जो कोई करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, तो उनके लिए कह रहा हूँ। और क्योंकि आपके पास कोर्ट पेपर रहेगा और वो 20 साल का प्रॉपर्टी लीज आपके पास रहेगा, तो उसमें आप चंदन का वृक्ष लगा सकते हो। हमारे अकेले में उतना दम नहीं है कि 55 एकड़ हम लगा दें, हर एक व्यक्ति अगर 1 एकड़ में इन्वेस्ट करता है तो मैं उसका इकोनॉमिक वैल्यू बता रहा हूं, 1000 पौधा अगर लगाता है, 1000 पौधा 1 एकड़ जमीन पे, और उसको बाउंड्री का कॉस्ट नियर अबाउट 1 लाख से 2 लाख रुपया खर्चा है, और पौधा का कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख पकड़ लो, ऐसे कुल मिला के 2 और 2 4 लाख रुपया हो गया, पानी बोरिंग और इसका व्यवस्था करने के लिए और 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया पकड़ लो,
ऐसा करके 5 लाख रुपया का नेट इन्वेस्टमेंट है और उसमें कुछ करना नहीं है, एक बार लगा दो भूल जाओ, ठीक है। बड़ा सा दीवार, बड़ा सा पचरी, बड़ा सा गेट, आप जब भी आओ टेस्ट करो, खड़ा हो जाओ, और आपका 50%, हमारा 50%, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट रहेगा, हम लोग देख रेख करेंगे, आपका पौधा का रिस्क लेंगे, और रिस्क लेंगे मतलब किसी प्रकार का बीमार उमार हो गया वो अलग बात है, फिर उसको हम लोग रिप्लांटेशन करेंगे, और उसका पानी, मैन्योरिंग और उसका बढ़ाना, ये जो टेक्निकल पार्ट है और जमीन का पार्ट है, वो जमीन हम देंगे, टेक्निकल पार्ट हमारा रहेगा, लेबर कॉस्ट हमारा रहेगा, पैसा खाली आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और उसका जो भी पेपर मूवमेंट रहेगा वो सब पेन पेपर ऑफिशियली हो जाएगा, ताकि आपके पास वो सिक्योरिटी रहे। तो 10 साल का टारगेट बनाएंगे, यानी पैसा आप अपने हाथ से खर्चा करोगे, हमें नहीं दे रहे हो कि हम आपका पैसा मार रहे हैं, अपने आप से आप कॉस्ट